हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइटरूम ऐप की मदद से कुछ इस टाइप की ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि मतलब वाइट कलर का जो इफेक्ट लगा हुआ है, वो एक PNG है, वो आपको कैसे लगाना है ये भी हम बताएंगे। तो जितने भी हम PNG यूज़ करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग PNG डाउनलोड कर लेना, ओके। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम अपने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिए। तो लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी फोटो को ऐड कर लेना है, जो भी फोटो को आपको एडिटिंग करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है ऐड हो गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओके। तो गाइस, फोटो को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसके कलर वाला ऑप्शन पे आपको आना है और इसके बाद फिर आपको मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले इसके फेस को हमको ब्राइट करना है, तो ये सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑरेंज कलर पे, और इसकी सैचुरेशन को माइनस के ओर लेके जाएंगे, ठीक है, -49 के अराउंड कर लेंगे, और लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, लुमिनेंस को बढ़ाकर 41 कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद येलो कलर पे क्लिक करेंगे और इसके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर लेंगे और लुमिनेंस को भी -19 कर लेंगे। फिर इसके बाद ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे और इसके भी सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर लेंगे 100, और ये जो लुमिनेंस है लुमिनेंस को भी माइनस कर लेंगे -49 के अराउंड। एंड गाइस, ऐसे ही सभी के कलर के सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे, ठीक है, एंड इसके भी कलर के माइनस कर लेंगे इसको भी, और ये जो लास्ट वाला कलर इसको भी माइनस कर लेंगे पूरा 100। एंड इसके बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे गाइज। एंड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे 4 के अराउंड, ठीक है। एंड इसको बढ़ा लेने के बाद फिर आएंगे लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और गाइज लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोजर को माइनस कर लेंगे 10 के अराउंड, और गाइज हाईलाइट को थोड़ी सी कम कर लेंगे करीब 14 के अराउंड, और इसके बाद शेडो को भी माइनस कर लेंगे, तो शेडो को -42 के अराउंड कर लेंगे, और थोड़े से वाइट्स को बढ़ा लेंगे करीब 18 के अराउंड, और गाइस ब्लैक्स को भी 2% बढ़ा लेंगे। एंड इसके बाद ऊपर की तरफ आपको कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड गाइस कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक, ये जो बीच वाला लाइन है इसको पकड़ कर ऐसे नीचे की ओर लेके आना है, और ये जो लाइन है इसको कुछ इस टाइप से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, ठीक है, एंड फिर डन कर देना है। तो गाइज डन करने के बाद, इतना ऑप्शन करने के बाद ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, काफ़ी चेंजिंग हुई है फोटो में। तो अब क्या करना है, फिर आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, कलर वाला ऑप्शन पे, ओके, एंड फिर मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फेस वाला ऑप्शन पे आना है, और इसके सैचुरेशन को और माइनस कर लेना है करीब 62 के अराउंड, एंड फिर डन कर लेना है, ओके। और गाइज डन करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हमको डालना होगा, तो इफेक्ट को डालने के लिए इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, एंड सबसे पहले क्लियरिटी को बढ़ाएंगे फोटो में, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ाएंगे करीब 6 के अराउंड, ओके। एंड इसके बाद फिर विगनेट को माइनस कर लेंगे, विगनेट को -15 के अराउंड कर लेंगे, और हाईलाइट को थोड़ी सी बढ़ाएंगे 4 के अराउंड, और राउंडनेस को थोड़ी सी बढ़ाएंगे 10 के अराउंड, ओके। एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद गाइस फिर ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ी सी नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेंगे ताकि जो फोटो है अच्छी स्मूथ हो जाए, तो नॉइज रिडक्शन को 8% बढ़ा लेंगे और शार्पिंग को गाइज बढ़ाकर 4 कर लेंगे। तो गाइज इतना तो हमारा ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गया है, ये देखो बिफोर कैसा था एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। अब इसमें हमको इफेक्ट डालना है PNG, तो उसके लिए इस फोटो को हम शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप में, ओके। तो इसको हम शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, तो ये रहा पिक्सआर्ट, इसमें हम शेयर कर लेते हैं इस फोटो को, ओके गाइज। तो यहाँ पर जो हमारी फोटो है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आ गई है, तो पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद वो PNG हम ऐड कर लेंगे, तो PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से PNG डाउनलोड कर लेना। तो गाइज ये रहा PNG, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज ऐड कर लेने के बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। स्क्रीन कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से इसको ऐसे फुल स्क्रीन ऐसे लगा देना है।
और जो फ्रेश फेस पे आ गया ये जो इफेक्ट, इसको इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हटा देना है। ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं ऐसे ऐसे। तो गाइस इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर राइट क्लिक करके डन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है पूरी अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है। इसको सेव करने के लिए गैलरी में क्या करना होगा, आपको ड्रा वाल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर ड्रा वाल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और फिर सेव इमेज पे क्लिक करना है। तो हमारी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज कि आपको यहाँ तक एडिटिंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा भाई एडिटिंग कैसा करा है। ओके, एंड गाइज आप लोग भी फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, और वहाँ से आप लोग जाकर DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, इसको भी फोटो एडिटिंग करवानी है तो इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करना, फॉलो करके हम उसकी फोटो एडिटिंग करेंगे। बाकी गाइज आप लोग और अच्छी तरह से एडिटिंग सीखना चाहते हो तो ये सब वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड गाइज जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे कहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।